अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों से चिकन चंगेज़ी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। घर पर बनाकर देखिए, ये सभी को बहुत पसंद आने वाला है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। सबसे पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। नमक डाल देंगे, 1.5 चम्मच डाला है मैंने, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, यह मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच नॉर्मल मिर्च का पाउडर डाला है, तीखी वाली। 2 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और फिर 1 कप व्हिप किया हुआ दही। तो इसे मैंने आधा आधा कप कर डाला था, और ये बिल्कुल भी खट्टा दही नहीं है, नॉर्मल फ्रेश दही मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 पूरा नींबू का रस इसमें जाएगा। तो मिक्सिंग के टाइम मुझे कलर थोड़ा सा लाइट लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर फूड कलर ऐड करा है, रेड ऑरेंज फूड कलर। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। 15-20 मिनट के लिए हम इसे मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ओवरनाइट रखें, ओवरनाइट रखेंगे तो फ्रिज में रखिएगा, या फिर आप तुरंत भी इसे बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम कम है तो। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली हैं स्लाइस करी हुई, और 20 काजू हैं, मीडियम साइज़ की प्याज हैं, और 3 टमाटर हैं। तो सबसे पहले हम प्याज और काजुओं को फ्राई कर लेते हैं। तो कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है, और इसमें हम प्याज और काजू डाल देंगे, और इनको आपने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। यानी प्याज का कलर जब लाइट ब्राउन होने लग जाए तो आप गैस ऑफ कर दीजिएगा, बस ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना। तो ये देखिए, प्याज में हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी तुरंत। तो दोनों चीज़ों को ठंडा करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर। टमाटर का आपने अलग पेस्ट बनाना है, इसे आप बिना पानी ऐड करे पीसिएगा। अब जो बचा हुआ तेल है उसमें हम मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे। अभी हम सिर्फ पीसेस डालेंगे, जो उसका ग्रेवी टाइप की मैरिनेशन बचा होगा वो हम आगे रेसिपी में यूज़ करेंगे, अभी नहीं। अभी आपने सिर्फ पीसेस डालने हैं। पहले 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर आप चिकन को फ्राई करिएगा अच्छे से। 2 से 3 मिनट बाद आप इसे ढक कर रख दीजिएगा 2 मिनट के लिए तकरीबन, और ताकि चिकन जो है हमारा 50% तक कुक हो जाए। बस अभी आपने चिकन को इतना ही पकाना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 मिनट इसे और ढक दिया था, 5 से 6 मिनट टोटल मैंने इसे पकाया है। थोड़ी देर इसे ओपन कुक किया है, थोड़ी देर इसे ओपन फ्राई किया, उसके बाद इसे 2 मिनट के लिए ढक कर भी कुक किया है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट, मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। साथ में इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम गरम मसाला है, ये मेरा होममेड गरम मसाला है। थोड़ा सा हम इसमें चाट मसाला भी ऐड करेंगे, तो इन्हें भी मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद इसमें जो हमने प्याज और काजू का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे, और साथ में जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो आपने इस पॉइंट पर ऐड करना है। तो जो बचा हुआ मैरिनेशन है वो सारे डालने के बाद अब इसे आपने भूनना स्टार्ट करना है मसाले को। आपने इसे बहुत ही अच्छे से भूनना है, जितना आप इसे अच्छे से भूनेंगे उतना ही इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप देख सकते हैं अभी इसमें पानी का कंटेंट है, इसमें छींटे आ रही हैं, तो थोड़ी देर हम इसे ढककर भी पकाएंगे। तो यहाँ पर लगभग 3 मिनट मैंने इसे ढककर रखा था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, यानी मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से भुन गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो यहाँ 1 चम्मच भरकर हाथों से क्रश कर डालिएगा, और इसके साथ ही इसमें मैं हरी मिर्च भी ऐड करूँगी। तो कस्तूरी मेथी, हरी मिर्च डालने के बाद भी आपने इसे भूनना है, ताकि इन सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छे से इसमें आ जाए। तो अब यहाँ पर 9-10 हरी मिर्च साबुत मैंने इसमें ऐड करी है, इसमें कट वगैरह नहीं लगाया, और हरी मिर्च डालने के बाद भी 2-3 मिनट मैंने इसे और भूना है। अब भूनते टाइम ही ग्रेवी में और ज़्यादा फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे फ्रेश मलाई। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच मैं मलाई यूज़ कर रही हूँ, आप इसकी जगह क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, चिकन भी अच्छे से कुक हो गया है, लेकिन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना रह गया है, वो है दूध। दूध को आपने फ्लेम लो कर डालना है, क्योंकि हमने इसमें दही भी ऐड करा है। पहले आप दूध डालकर मिक्स कर लीजिएगा, 1/2 कप डाला है मैंने, और ये कच्चा दूध नहीं है, बॉइल्ड है। और उसके बाद पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, उसके बाद फ्लेम को हाई कर इसे 1 मिनट के लिए और कुक करा। आप देख सकते हैं दूध डालने से ग्रेवी का टेक्स्चर ही चेंज हो गया है, एकदम से ये स्मूथ हो गई है, इसमें एक अलग ही रिचनेस आ गई है, और साथ में इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो इसे ज़रूर बनाकर देखिए, रेडी है हमारा चिकन चंगेज़ी सर्व करने के लिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला टेस्ट आएगा, ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।